Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Praveen, your host. दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल. आज हम सीखेंगे हाउ टू कनेक्ट अ न्यू कनेक्शन टू SQL डेवलपर. न्यू कनेक्शन कैसे कनेक्ट करेंगे SQL डेवलपर के डेवलपर को, ठीक है, आज हम सीखेंगे. ठीक है, चलो स्टेप फॉलो करते हैं. इधर देखिए कनेक्शन करके है, ठीक है, कनेक्शन से न्यू कनेक्शन करके क्रिएट मैनुअल कनेक्शन भी कर सकते हैं. नहीं है तो ये ऑप्शन है ना, प्लस का साइन क्लिक करो, ठीक है, न्यू कनेक्शन आएगा. हम आज स्टार्ट करेंगे SQL लर्निंग, ठीक है, और इसमें आपका इंस्टॉल करते टाइम में यूजर नेम और पासवर्ड दिया रहता है, ठीक है, मैंने दिया था सिस्टम, ठीक है, और जो पासवर्ड आपने दिया है ना वो पासवर्ड डाल दीजिए, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, टेस्ट करना, ठीक है, टेस्ट करने के बाद इधर स्टेटस सक्सेस आएगा, ठीक है, देन गो टू कनेक्ट. देखिए इधर साइड में आ गया, ठीक है, SQL न्यू कनेक्शन, ठीक है, अभी देखिए SQL न्यू कनेक्शन आ गया. लेकिन इसमें कनेक्शन में क्या क्या है, टेबल्स देखिए, टेबल्स आएगा, व्यू आएगा, इंडेक्स आएगा, ठीक है, अभी तो ये हमारा न्यू डेटाबेस है, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है, ये देखो टेबल्स है, टेबल्स में फॉर एग्जांपल ये डिफॉल्ट्स से आता है सभी, ठीक है, ये डिफॉल्ट्स का टेबल है, मैं बताता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे, ठीक है, कैसे डेटा का एक्सपोर्ट करना, ठीक है, इसमें ऐड करना, ठीक है, ये सभी डेटाज है. फॉर एग्जांपल देखिए, ठीक है, कॉलम नेम, डेटा टाइप, नल लेबल, डिफॉल्ट, ठीक है, ये सभी ऑब्जेक्ट, ये सभी डेटा टाइप का ये आता है. और इसमें देखिए दोस्तों, इधर डेटा टाइप के बारे में आएगा, ठीक है, कौन सा डेटा टाइप से, मॉडल क्या होता है, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, इसमें सभी मेन्यू बार से, ठीक है, इसका सभी का इस्तेमाल आने वाली सीरीज में हम सीखते जाएंगे, ठीक है, क्या क्या होता है अभी मैंने बता दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, हम ओनली बेसिक से जाएंगे, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे न्यू कनेक्शन करना SQL डेवलपर में, ठीक है दोस्तों, बाय.